नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 2 दिसंबर को कैनबेरा के मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का पहला और दूसरा मैच हारकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज गंवा चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि आखिरी मैच जीतकर व्हाइट वॉश होने से बचे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी वनडे मैच जीतकर T20 सीरीज के लिए अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी। अब चाहे टीम इंडिया सीरीज का 2 मैच हार चुकी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम इंडिया कमबैक कर सकती है। भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच जीत भी सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वो तीन बड़े कारण बताते हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया तीसरा वनडे मैच जीत सकती है। दूसरे वनडे मैच के दौरान दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर फील्डिंग करते वक्त चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद खबर आई कि वो अब बचे हुए एक वनडे मैच और T20 सीरीज के तीनों ही मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय टीम को निश्चित तौर पर इसका पूरा लाभ मिलेगा। दरअसल पहले दोनों मैच में डेविड वार्नर ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसकी बदौलत कंगारुओं ने पहले दोनों मैचों में बड़ा टोटल खड़ा किया। लेकिन अब जब डेविड वार्नर आखिरी वनडे मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो इसका पूरा फायदा टीम इंडिया को मिल सकता है और भारतीय टीम ये मैच जीत भी सकती है। भारतीय टीम अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 2 मुकाबले खेल चुके हैं और अब उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि वहां पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और ऑस्ट्रेलिया टीम का मजबूत पक्ष क्या है। टीम इंडिया अब कुछ वक्त से ऑस्ट्रेलिया में है और वहां के कंडीशन से रूबरू हो चुकी है। ऐसे में तीसरे वनडे में इस चीज का फायदा टीम इंडिया को निश्चित तौर पर मिल सकता है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि जब कोई टीम लगातार मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेती है, तो फिर बाकी बचे मुकाबलों को वो थोड़ा हल्के में ले लेती है। तब टीम अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाती है और प्रमुख प्लेयर्स को रेस्ट देती है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐसा किया, तो फिर उसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा और वो ये मुकाबला अपने नाम कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।